अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाईन अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मरातिल मौत वल मलाइकतु बासितु अयदीहिम अख़रिजू अनफुसकुम اليوم تجزون عذاب الخون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر मौज़ सामीन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की तिलावत इस आया करीमा का दूसरा हिस्सा है कि जिस पर पिछले जुमतुल मुबारक में गुज़ारशात पेश की थी। इस हिस्से में अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया है, और अगर आप इस वक्त देखें जब ये ज़ालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे और फरिश्ते अपना अपने हाथ बढ़ा रहे होंगे कि हाँ अपनी जानें निकालो और आज तुमको ज़िल्लत की सज़ा दी जाएगी इस वजह से कि तुम अल्लाह के ज़िम्मे झूठी बातें कहते थे और तुम उसकी निशानियों से तकब्बर करते थे। कुरान करीम कोई हिस्सा कहीं से भी उठा लें तो बहुत जामे इरशाद है, इसलिए कि अल्लाह करीम का कलाम है। मुतकल्लम का कलाम में असर आता है, और जब कलाम अल्लाह का है, ज़ात अल्लाह की है, तो कलाम भी इतना मुस्तहकम और कहीं कहीं बारीक सी भी, कोई कमी बेशी नहीं। इस आया करीमा को पिछले हिस्से को मिलाएं तो भी बात बहुत वाज़े है। इस आया करीमा का ये हिस्सा जिसे तलावत करना नसीब हुआ है, इस ही से बात करें तो भी बहुत जामे बयान है। इस तफसीर से पहले मैं अपने मुतकिफीन भाइयों के लिए दुआगो हूँ कि अल्लाह करीम आपका आना और ये इतकाफ़ में बैठना कबूल फरमाए। एक बात हमें याद रखने की ज़रूरत है कि मुसलमान वो है जो मानता है, तहे दिल से मानता है। किसकी? अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अल्लाह जल्ला शानुहू ने क्या इरशाद फरमाया, उसकी हदूद व कयूद क्या हैं, एक एक शय वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई। जब बात मानने की आती है, ताबेदारी की बात आती है, इताअत की बात आती है, तो यहाँ गैर मशरूत कोई शर्त नहीं है। इसीलिए हालात की तब्दीली के साथ इंसान अपने आप को हदशरी के तहत तब्दील करता आता है। रमज़ानुल मुबारक में मुल्क भर, तो क्या दुनिया भर की मसाजिद में ऐसे ममालिक जो गैर मुस्लिम हैं, वहाँ जहाँ मसाजिद का क़याम नसीब हुआ, वहाँ भी मुतकफ़ीन मस्जिद में तशरीफ़ फरमा होते थे। आज एक वबाई मर्ज़ है, ऐसी मर्ज़ है कि न सिर्फ यहाँ बल्कि यहाँ तो शायद ये आखिर में पहुँची, पूरी दुनिया को इसने लपेट में ले रखा है। ये बहस और तरफ निकल जाएगी अगर हम इसी मौजू या इस वबाई मौजू पर ही बात करें,
लेकिन जो नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि जब इस वबाई मर्ज और इसके एहतियात पर बात आती है तो बेशुमार पहलू हमें सुनने को मिलते हैं, बेशुमार हिस्से ज़ेरे बहस आते हैं। उन्हीं में एक हिस्सा ये भी है कि मसाजिद में जाना चाहिए या नहीं, ये मेल मुलाकात से फैलती है बीमारी या नहीं। मुझे खुद दो दिन पहले एक दोस्त मिला तो वो पूरी शौक से मिला, हाथ भी उसने मिलाए, मैंने भी उसको फिर हाथ मिलाया। साथ उसने मुझे कहा हाथ मिलाने से ये नहीं फैलती भाई जी। अब मैं उसे क्या कहूँ, लेकिन जो नुक्ता अर्ज करना चाहता हूँ कि यहाँ बेशुमार साथी एतकाफ करते थे, उसे महदूद किया गया, फिर आप तमाम को आने से लेकर मुतकिफ होने तक एक प्रोसेस में से गुजरना पड़ा। फिर इस शबो रोज़ में जहाँ इबादत का के लिए मेहनत और मुजाहदा दरकार है, उसके साथ इन एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखना भी उसी तरह लाजिम रखा गया है। तो जो नुक्ता या जो बात है वो ये है कि बंदे मोमिन किस हालत में है, किस जगह पर है, किस हैसियत में है। हर जगह, हर हैसियत और हर पहलू में एक बात, इताअत, अल्लाह जल्ला शानहू का हुक्म मानना, उसकी पसंद को, उसके हुक्म को मुकद्दम रखना। ज़िंदगी तंग नहीं होगी, ज़िंदगी सहल होगी और सहल होती चली जाएगी। तो इसीलिए जब हम इताअत और इताअत की तशरीह ज़ात पर ले आते हैं तो मसाइल पैदा होते हैं। इताअत की शरा यानी हदूद व कयूद, वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाए, जब हम वहाँ से सबक लेंगे तो फिर हमारे लिए रहनुमाई भी होगी और ऐसी रहनुमाई होगी जो सहल भी होगी। चूँकि दीन इस्लाम दीन फितरत है और तमाम फितरी तकाज़ों को पूरा फरमाता है। तो मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह करीम ये हिस्से आपकी ज़िंदगी के, ये इबादत के, ये इतकाफ़ के कबूल फरमाए, इसकी मुबारक सातें नसीब फरमाए, इसकी मुबारक रातें नसीब फरमाए। जब आप इस सारी दुनिया के झमेलों से निकल आए हैं तो फिर वापस ना झांकते रहिएगा, क्या हुआ, फलां काम क्या था, मैं क्या क्या आया था। अपने आप को ऐसा अलग महसूस करें जैसे हम अपने प्यारों को अपने हाथों गौर के हवाले कराते। कभी पलट कर उन्होंने पूछा कौन सा सामान मैंने कहाँ रखा है, किसको मैंने क्या पैगाम देना है। बल्कि वो चीज़ें जो संभाल कर रखी होती हैं कि मेरी शय को कोई हिलाए नहीं, वो पड़ी रह जाती हैं। इसलिए इंतहाई मसला को हद से तजावज़ होती है वो और बात है, उसके लिए शरीयत इजाज़त देती है, हुक्म है। कोई ऐसे मामलात पेश आ जाते हैं, अल्लाह ना करे इतकाफ़ जारी नहीं रखा जा सकता, तो दोबारा फिर ज़रूरी और लाजम हो जाता है। तो वो सारे हिस्से हमारे साथ मौजूद हैं। मैं बात कर रहा हूँ गैर ज़रूरी जो मिजाज हमारा बन चुका होता है। हम समझते हैं कि हमारे चलाने से ये शबो रोज़ चल रहे हैं, मेरे करने से उमूर की सर अंजामदही हो रही है। तो जब आप तशरीफ़ लाए हैं तो फिर इस तरह कट कर तशरीफ़ लाएं कि अपने कुलूब को भी इसी एतकाफ़ में मरकूज़ रखें। फिर इस शबो रोज़ को एक पूरा आपको निज़ाम बना कर दिया गया है, तरबियत का निज़ाम बना कर दिया गया है, उसमें शौक और मोहब्बत और जज्बा किसी भी सहले अमल में
अगर दिल की जुस्तजू में ताजगी न हो, शौक न हो, तो वो जुस्तजू इस लायक नहीं रहती कि उस पर नताइज आला मुरतब। ये मामला सारा है ही दिलों का, क्योंकि नीयत बुनियाद है। अल्लाह करीम कमी बेशी हमारी माफ़ फरमाए, हमें तौफीक अता फरमाए कि ये अयाम खैर वाफियत से गुजरें, तमाम अहबाब के अहल खाना में अल्लाह करीम खैर फरमाए। तो जो आया करीमा मैंने तलावत की, इसकी तफसीर की तरफ आते हैं। तो अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वलो तरा इज़ ज़ालिमूना, अगर आप उस वक़्त इन ज़ालम लोगों को देखें। ये बात हो रही थी आया करीमा का पिछला हिस्सा जो है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि उससे बड़ा ज़ालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठा बोहतान लगाया या कहा मुझ पर वही आती है। मुदयाने नबूवत, तजावज़, अपनी बात का मनमाना, बेशुमार हिस्से इस हुक्म के तहत आ जाते हैं। और उसके पास किसी बात की भी वही नहीं आती। अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे, और जो कहे कि जिस तरह की किताब अल्लाह ने नाजिल किया उस तरह की मैं भी बना लेता हूँ, उससे आगे फिर ये इरशाद फरमाया जा रहा है। जब इस झूठ की बात आती है तो हम सिर्फ एक बात सोचते हैं कि किसी ने नबूवत का झूठा दावा किया है तो उसे मुखातब किया जा रहा है। कोई हुक्म शरी उसके मुकाबले किसी दर्जे की भी ख्वाहिश या किसी दर्जे की भी कोई बात, कोई कलाम, कोई ख्वाहिश जब आती है तो वो तजावज़ है, वो ज़ात की तरफ से आता है। आप गौर फरमाएं, याद फरमाएं, हज़रत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने बयानात में जब कशफ पर बात फरमाते थे तो एक बात बड़ी वाज़ह बयान फरमाते कि ये जो साहिब कशफ मखलूक को बता रहा होता है, लोगों को बता रहा होता है कि मुझे तुम्हारे मामले में ये समझ आई, तो वो फरमाते थे कि ये कलाम ज़ाती काफ़ी नहीं है। इरशादात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी नहीं है कि इस सारे के मुकाबले में तुझे ज़्यादा समझ आ रही है। और अगर तू ये समझता है कि मखलूक को तुझे हुक्म देकर मखलूक के लिए हुक्म पहुंचाया जा रहा है तो तू फिर किस बात का दावा कर रहा। इसलिए किसी तजावज़ को भी जब आप माप तोल पर लाएंगे, उसको परखेंगे, तो वह हदूद से बहुत बाहर आ जाती है बात, और बाहर इतनी उसमें तलखी और इतनी उसमें खराबी पैदा इसलिए हो जाती है कि वो सारा तजावज़ जितना भी है अल्लाह करीम के हुक्म से है। जब अल्लाह करीम के हुक्म से तजावज़ की बात आएगी तो तजावज़ तो बात में बात बहस आएगी, जिस ज़ात से तजावज़ किया जा रहा है बहस तो वहाँ पहले चली जाएगी। तो इसलिए इस्लामी अहकामात के मुकाबल कई दफ़ा हम बज़िद होते हैं कि ऐसा कैसे है। आप अपनी महाफिल में देखिएगा, गुफ्तगू और बहस मुबासे में देखिएगा, और हमारा एक अलमिया है कि हम दीन जानते नहीं लेकिन बहस ज़रूर करेंगे। इसी तरह हम तबीब नहीं, हर बीमारी और उसके इलाज पर बहस ज़रूर करेंगे। हालात से वाकिफ नहीं लेकिन पूरा निज़ाम सल्तनत रोज़ हमारी महफिल में डिस्कस होगा और वहाँ हम जो है अपने अपने हिस्से की बात कर रहे हैं। दुनिया की मामलात की बहस और है, यहाँ की कमी बेशी और है, लेकिन जब बात दीन और दीन इस्लाम की आएगी तो बात बड़ी नाजुक हो जाएगी। इसलिए कि जब बात पर बहस आएगी और हम अपनी राय देंगे, हमारी राय इरशादात मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत फिर बात और, उस तहत के लिए जानना ज़रूरी है। लेकिन अगर अपने ख्याल और अपने गुमान से हमारी बहस होगी तो फिर नहीं मालूम किस वक़्त तजावुज़ हम पर हम चले जाएं।
तो ये इंतहाई नाजुक मामला है। तो अल्लाह करीम जो तजावुज पर है, जिसने ज्यादती और जुल्म किया है, फरमाते हैं वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमारात अल-मौत, ए मुखातिब तू अगर उस वक़्त इन जालिमों को देख जब सुकरातुल मौत होगी। कई पहलू हैं यहाँ कि सुकरातुल मौत और इन जालिमों का वो वक्त, इस जुल्म का बदला मलकुल मौत की गिरफ्त आने के साथ ही शुरू हो गया। फिर दूसरी बात कि कुरान करीम हजरत जी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाए कि कुरान करीम कोई बात ऐसी इरशाद नहीं फरमाता जो गुमान पर हो सकता है, या हर बात वाज़े है और हर बात मुस्तहकम है, असूल बयान फरमाता है। तो वो फरमाते हैं कि जब यहाँ इस जगह पर ये फरमाया गया है कि ए मुखातिब अगर आप उस वक़्त देखें, यानी सुकरातुल मौत और जो हालात मौत के हैं ये देखे जा सकते हैं। अब ज़ाहरी आँख तो फरिश्तों को देख नहीं पाती, ज़ाहरी समात फरिश्ते और साहिब मौत, जिसे मौत वाक़ जिस पर हो रही है उसकी हम कलामी तो सुन नहीं सकते, न देख सकता है न सुन सकता है, तो समझेगा क्या। ये बुनियादी ज़राए हैं देखना और सुनना, जानने के ज़ाहरी असबाब में बुनियादी ज़राए। लेकिन जब कुरान करीम इरशाद फरमा रहा है तो ये बात हक है, फिर यहाँ गुंजाइश नहीं है। हाँ, कौन है जो इस काबिल है कि इसकी नज़र इसे दिखा दे, इसकी समात उसे सुना दे, तो ये बाहलू समझ आता है कि ये मुमकिन है कि वो वक़्त देखा जा सके कि जो जो बहस करता है कि मैं नहीं मानता, जो जो हक में अपनी ख्वाहिशात का इजहार चाहता है। अगले दिन भी मैं एक, अब उसे मैं क्या कहूँ, आलम कहूँ, मुफक्कर कहूँ, क्योंकि कोई लफ्ज़ जचता नहीं इन अल्फाज के साथ। वो कह रहा था कि ये जो अइम्मा की बहस है वो भी तो हम ही तरह के लोग थे, अगर उन्होंने कुरान करीम से पढ़कर देखकर समझ लिया है और लोगों के लिए तहरीर किया है तो क्या फ़र्क पड़ता है, आज हम भी समझ सकते हैं और अपने अपने समझ के मुताबिक अमल कर सकते हैं। उस वक़्त समझ आएगी इस अकलमंदी की, जो अपने तकब्बर में ली जा रही है, जो अपनी ख्वाहिशात की पैरवी में जिसकी इब्तिदा की जा रही है। कलाम ज़ाती फरमाता है कि ए मुखातिब तू इनकी उस वक़्त हालत देख जब रूह कब्ज़ हो रही होती है, जब फरिश्ते हाथ बढ़ा रहे होते हैं और रूह खींच रहे होते हैं वजूद के एक एक तन के एक एक हिस्से से। अब एक और पहलू यहीं इसी हिस्से से, नताइज कि जिस राह का मुसाफिर होगा वैसा ही बामंजिल होगा, अमल साले होगा तो इख्तिताम और अंजाम आला होगा, अमल बद होगा तो सुकरातुल मौत की में जो तड़प है, जो सख्तियां हैं वो क्या है, अंजाम बद है। हम दुनिया की जिंदगी में हर शय को उसकी असूल के मुताबिक इस्तेमाल करने को अकलमंदी कहते हैं। आपने कभी नहीं देखा होगा कि खिड़की की जगह किसी ने दरवाजा खड़ा कर दिया हो, या पंखे की जगह उसने लाइट लगा दी।
हर जगह की मुताबकत के साथ फैसला किया जाता। क्यों? समझ आती है कि हर शय का अपने मकाम पर होना सूदमंद है, फायदामंद है। अब इसका फायदा दुनियावी है, मौके पर समझ आ रहा है, हक पर बाअमल रहना, इसकी न समझ आए तो फिर ईमान का दर्जा क्या है? तो जो तीसरा हिस्सा यहां से अर्ज कर रहा हूं ये है कि ये अंजाम की बात हो रही है, और जब अंजाम ऐसा बयान फरमाया जा रहा है तो फिर उन्होंने अपनी जिंदगी का राह और उसका इंतखाब क्या किया है? जो ये इरशाद फरमाया जा रहा है कि ऐ मुखातिब, तो उस वक़्त उन जालिमों की हालत देख जो सुकरातुल मौत की है, जो इंतहाई सख्ती की है, वजूद और वजूद की तकसीम पर गौर फरमाए। इस तकसीम में एक एक बॉडी सेल तक जाएं, फिर एक एक बॉडी सेल की हयात को समझते हुए उस एक एक तंद एक एक सेल से रूह क्या खींचना सोचें तो समझ आएगी कि ये सरता पा एक एक जर्रे से जान निकलेगी। कैसा मामला होगा, क्या हालात होंगे? कोई ऐसा है नहीं जिसने इस कैफियत और हाल में से गुजरना नहीं, पहुंचना नहीं। अब वो हाल और कैफियत वो किस तरह की होगी? जैसा अमल हो, जो अमले साले होगा उसके हालात भी हैं। क़यामत की कायम होने और उसकी सख्तियों में भी कुरान करीम उनकी आसानियां बयान फरमा रहा। वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फ़ी ग़मारातिल मौत वल्मलाइकतु बासितु ऐदीहिम, और जब फरिश्ते हाथ बढ़ा रहे होंगे, अल्लाह करीम हमारी कमजोरियां और गुनाह माफ़ फरमाए, उसका करम और उसका एहसान उसने ये मुबारक महीना जिंदगी में फिर अता फरमाया, ये मुबारक दिन अता फरमाया। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए, हमारी कमजोरियां माफ़ फरमाए, और यहाँ इस मंजिल से हमने भी गुजरना है, अल्लाह ये गुजरना बहालत ईमान फरमाए। फिर अगले हिस्से में अगर आप देखें कि जब फरिश्ते हाथ बढ़ा रहे हैं तो ये सूरत जो हम कलामी की थोड़ी देर पहले मैं अर्ज कर रहा था कि कुरान करीम जब फरमा रहा है कि ऐ मुखातिब उस वक़्त दे, तो यानी ये देखना मुमकिन है, तो वो हम कलामी भी यहाँ से समझ आती है कि इसी दुनिया में जाने से पहले, चूँकि मौत वाक़ होगी तो फिर तो आलम बदल गया, ज़ाहिर न रहा बरज़ख आ गया, खल्क न रहा बरज़ख में मुंतकिल हो गया। तो ये जो हाथ का बढ़ाना मुखातब करना यहाँ फिर कलाम की समझ आती है कि फरिश्ते साहेब मौत जिस पर मौत वाक़ हो रही है उससे कलाम कर रहे हैं। अखरजु अनफुसकुम, अल्लाह जैसे अर्ज किया कि ये कुल्लु मन अलैहा फान, हर शय को फना है, कायम बिज़ात सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। तो जब ये जाने निकालो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा कराम ने अर्ज़ की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला ज़िंदगी के पहलू पर इरशाद फरमाया और आपने फरमाया कि जब तुम्हारी जान निकल रही हो तू दुनिया को छोड़ रहा हो, अंतफारक दुनिया, तू दुनिया को छोड़ रहा हो, अलग हो रहा हो, तफरीक हो रही हो, वलिसानों का रतबन मिन ज़िक्रल्लाह, तेरी ज़बान अल्लाह के नाम से अल्लाह के ज़िक्र से तर हो,
अब ये कैफियत भी तो सुकरातुल मौत की आपने इरशाद फरमाई। इस अमली हिस्से को देखते हुए ये जरूर समझना चाहिए और ये जरूरी है समझना, ये अंजाम हमारे आमाल पर नहीं है, उसकी अता पर है। हम अपनी इबादात, उसकी अदायगी, उस सारे के पीछे इखलास, एक एक चीज को तोलें तो समझ आ जाती है। हमारे सजदे साफ हमें बता रहे होते हैं कि कितना खुशू खजू हमारी नमाज में है, मालूम नहीं कि दो रखते पड़ी हैं, तीन रखते पड़ी हैं, ये पता क्यों होता है? इसलिए नहीं होता कि ज़हनी माजूरी ही हर जगह है, कसीर इसलिए होता है कि ध्यान कहीं और होता है, ध्यान हमारा किसी सौदे में, किसी कलाम में, किसी बहस में होता है। अर्ज़ा अल्लाह के रूबरू हैं, कलाम किसी मखलूक से कर रहे हैं, किसी ज़रूरत पर बहस सोच रहे होते हैं। कसीर तादाद इसलिए सजदा साफ़ की हमें अदा करनी पड़ती। तो जब हमारी इबादत की कैफियत और हाल ये है, फिर ये समझ लेना कि बख्शिश मेरी इबादत जो है वो सबब हैं, है नहीं। खालिस इबादत की अदायगी भी बंदे मोमिन को उस दर्जे पर नहीं पहुंचाती कि वो बख्शिश के काबिल हो, इसलिए इजहार तशक्कुर से नहीं निकल सका। जो कुछ उसे अता फरमा दिया गया है उसकी शुक्र गुजारी से नहीं निकल सका, मजीद अता का तालब कैसे हो सकता है अपनी इबादत के बिना? तो ये अल्लाह जल्ला शानुहु की अता है, उसका करम और उसका एहसान है, गफूरुर रहीम है। उसे अता करना, उसे बख्शना, उसे माफ करना महबूब है, उसे पसंद है। वो खालिक है, हम मखलूक हैं। मखलूक मखलूक रहे तो बच जाती है, मखलूक जब मुतकब्बिर हो जाए, मुकाबिल हो जाए, फिर मारी जाती है। तो ये कैफियत और हाल, अखरजू अनफुसकुम, जब हवाले कर रहे होंगे अपनी जाने, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके को क्या खूबसूरती अता फरमाई कि ये खूबसूरती ये हो कि जब तू जा रहा हो तो तेरी जबान अल्लाह के नाम से तर हो। अब जब बात लिसान की आएगी, जबान की आएगी, तो ये सुकरातुल मौत के वक्त की बात है। दुनिया वजूद और वजूदी हिस्सों पर बात है, तो ये रवानगी अल्लाह 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 के नाम। तो अल्लाह करीम ने एहसान फरमाया कि हमें तो खाने खुदा में जमा ही अल्लाह अल्लाह पर फरमाया। तो अपने शबो रोज़ में अपनी इस अल्लाह अल्लाह की मेहनत और मुजाहदे को मजबूत कीजिए और खालिस अल्लाह की रजा के लिए कीजिए। जो जो हिस्से तरबियत के बताए जा रहे हैं और जो जो बातें समझाई जा रही हैं उन्हें समझते हुए उस पर मेहनत कीजिए, और ये मेहनत आपको अल्लाह करीम हमें ज़िंदगी अता फरमाई तो अगले रमज़ानुल मुबारक तक संभालेगी। पूरी मेहनत करते हैं हम लोग, रमज़ानुल मुबारक आते हैं, अमूमी तौर पर भी देखा है, सर ढांपा होगा, मस्जिद में रश होगा, हाथ में तस्बीह होगी, और हर दूसरे तीसरे जुमले में फिर ये बात इस हवाले से आएगी, इबादत के हवाले से। लेकिन जो तमाशा चांद रात को हम करते हैं उसी से समझ आ जाती है कि इस सारे लिबादे के पीछे हमारी अपनी हाल और अपनी कैफियत क्या थी। होना तो ये चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक की इबादत का असर इतनी ताकत रखता हो, अल्लाह करीम इतनी हयात अता फरमाए कि अगला रमज़ान भी अगर नसीब है तो उस रमज़ान में दाखिल होने तक ईमान को इतनी तवानाई और इतनी ताकत मुयस्सर आए कि उस रमज़ानुल मुबारक में दाखिल होने तक गलत और सही की पहचान रहे। गलती से दूरी नसीब हो, अच्छाई पर कायम रहना नसीब हो,
اليوم تجزون عذاب الہون. نتیجہ آ گیا. فرمایا آج تم کو ذلت کی سزا دی جائے گی. یہ فرشتے کلام کر رہے ہیں. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون. اب یہ ظلم کیا ہے؟ کسی شے کا اپنی جگہ سے ہٹ جانا, اپنی جگہ پر نہ ہونا, یعنی کسی شے کا اپنی جگہ پر ہونا, عدل ہونا, اعتدال ہونا. جتنا جتنا تجاوز ہوگا اتنی اتنی زیادتی ہوگی. یہی ممبر رسول جس مقصد کے لیے بنا ہے اسی کیفیت پر رکھا ہے. اسے گرا دیں پھر اس کے اوپر بیٹھ کر بات کریں تو یہ کیا صورت نظر آئے گی؟ اس کو الٹ دیں, بالکل الٹ دیں, اور کتنی خرابی نظر آئے. اسی طرح جب کسی عمل کو اس کے مقام سے ہٹا دیا جاتا ہے وہ ظلم ہے. عمل خود نہیں ہٹتا, اس کے پیچھے کوئی عامل ہے, کوئی ہٹا رہا. کون ہے جو مخاطب ہے؟ مخاطبین کون ہیں؟ صرف بات وہاں کی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کی بات ہو رہی ہے. اس عالم آب و گل میں آنے والے ہر انسان جو ہے اسے مخاطب کیا جا رہا ہے, اور اس کے ساتھ جو دوسری مکلف مخلوق اس زمین پر بستی ہے جنات, وہ مخاطب. اب جب مخاطبین کو اس وسعت سے دیکھو گے تو ہم اپنے اپنی ذات کو کہیں الگ کر سکیں؟ تو جب یہ بات آئے گی تو اس مخلوق میں ایک اکائی یا ایک کیفیت یا ایک حیثیت اللہ کریم نے ہم سب کو عطا فرمائی. جب ہم سب کو عطا فرمائی ہے تو پھر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے یہ جہان فانی جو زور بازو سے ہم چلا رہے ہیں ایسا نہیں ہے. ہم نہیں تھے تو سورج طلوع ہوتا تھا, بارش برستی تھی, دن گزرتا تھا, دن ڈھلتا تھا, شام ہوتی تھی. سورج غروب ہو تو رات ہوتی تھی, رات گہری بھی ہوتی تھی, پھر طلوع کی نشانیاں آنا شروع ہوتی تھی. یعنی جہان چل رہا تھا, اور کتنے ہی لوگ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن جہان چل رہا ہے. اسی طرح اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میری حیثیت کیا ہے؟ نہ تھا تو اس جہان میں کیا فرق تھا, ہوں تو کیا کمال لگا دوں گا, نہ رہا تو کون سی کمی آ جائے. تو اللہ کریم کے دستے قدرت سے ہے, اس کے حکم سے ہے, اس کی پسند سے ہے. تو جب ہم اس نقطے کو سمجھیں گے کہ حق سے تجاوز ظلم ہے اور تجاوز کرنے والا ظالم ہے, اور جتنا جتنا تجاوز کر رہا ہے اتنا اتنا ظلم کر رہا ہے, اتنا اتنا بڑا ظالم ہوتا چلا جا رہا ہے, تو اپنے معمولات میں جانے کی ضرورت ہوگی. اس عبادت, یہ جو معتکف کی کیفیت اور صورت ہے, اس سے اپنے آپ کو اس حالت میں کہ جب معمولات زندگی میں ہم اپنی پسند و ناپسند سے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں, وہاں جا کر سمجھنا پھر آسان ہے کہ اللہ رب العالمین توفیق عطا فرمائے کہ معاملات زندگی ویسے ہوں جیسے اللہ نے پسند فرمائے ہیں. پسند و ناپسند اللہ اور اس کے حبیب کے حکم میں ڈھل جائے, تہتا آ جائے. اب اس سارے کے پیچھے ایک محرک ہے, ایک کیفیت اور ایک حال ہے, نوری ایمان. عبادات نوری ایمان کو تقویت دیتی ہیں,
तवाना करती है। और जिस कदर ईमान मजबूत होता है, तवाना होता है, उस कदर मामूलात जिंदगी में जब इंसान फैसला करता है, पसंद जाती को भी रद्द कर देता है। क्यों? इसलिए कि ये मेरे अल्लाह का हुक्म है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बात ही खत्म हो। और जब हम अपनी पसंदो नापसंद को अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद के सपुर्द कर देंगे, यकीन माने ये जिंदगी सहल और आसान है। और जब हम अपनी ख्वाहिशात और अपनी पसंदो नापसंद और इसकी तामीर में लग जाएंगे, फिर एक इमारत का जो मजदूर है, जो हाथ से काम करने वाला है, जिसने गारा भी बनाना है, ईंटें भी पहुंचानी हैं और मंजिलों तक उठाकर अपनी पीठ पर ले जानी है, उसकी ज़िंदगी आसान है। और दुनिया की तामीर करता हुआ बंदे मोमिन जो है, उसकी ज़िंदगी फिर मुश्किल हो जाती है, हर कदम मुश्किल की तरफ ले जाता है। और बात मानने की है। अब कहने को क्या है? मानना, कितने लफ्ज इसमें हर्फ आए, लेकिन ये कैफियत और हाल है। शैतान पूरी कोशिश करता है, पूरा जोर लगाता है कि मैं इनको अपने साथ जहन्नम का ईंधन बनाऊं। और हम अपने हर गलती को शैतान के जिम्मे करके फारग होते जाते हैं और समझते हैं कि हम फारग हो। मामला ऐसा तो नहीं। रमजानुल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि शयातीन कैद हैं। शयातीन कैद हैं, मुआशरे में शीतनत क्यों है? हमारी सोचों में शीतनत क्यों है? हमारी गुफ्तार किरदार में शीतनत क्यों है? का मतलब हुआ कि उस दर्जे की, जिस दर्जे की हमारे उमूर में गलती है, उस दर्जे की शीतनत हमारे अंदर सराइयत कर गई। और जिन्हों इंस जब कुरान करीम बयान फरमाता है, तो फिर वो सराइयत जिसको उस सराइयत में डूबना और डूब गया है, जो वो तो फिर हो ही हुआ ही फरीक गया ना। क्योंकि जिन्हों इंस के शयातीन जब कुरान करीम बयान फरमाता है, तो फिर जो डूब गया इस शीतनत में, तो वो तो हो ही शैतान। तो बहुत खूबसूरत मौका है अपनी जिद, अपनी गलती के जवाब इन्हें हम छोड़, किसी से बहस की नहीं जरूरत, न मुझे आप पर अपना आप साबित करने की जरूरत है, और ना आप कोशिश करें कि मुझ पर या किसी पर साबित करें। अपना जायजा ले लें, अपनी सोचों को देख लें, अपने आमाल को देख लें, और छोड़ दें इस बात को कि मैं दूसरों को नसीहत कर रहा हूं। एक नसीहत अपने आप को भी हम कर लें, एक गुफ्तगू हम अपने आप से भी कर लें, अपनी सोचों अपने किरदार, कौन नहीं वाकिफ? और जो जो तजावज पर साथ अपनी शहादतें अपनी ख्वाहिशात की लगाता है, कुरान करीम उसे जालिम कह रहा है। सुकरातुल मौत की कैफियत और हालत उसकी बयान की जा रही है जो अल्लाह के हुक्म के मुकाबले आता है। कौन सी गलती ऐसी नहीं है, मुझे बताएं, जो अल्लाह के मुकाबले नहीं लाती? गलती की इब्तदा ही गलत है ही इसलिए कि अल्लाह करीम के हुक्म के मुकाबले। फिर फरमाया कि जिल्लत की सजा हम नहीं सोच सकते। हम यहां इस दारुल अमल में कुरान करीम जन्नत की बयान फरमाता है, जन्नत की नेमतों का बयान फरमाता है, करम और एहसान इनामात बयान नहीं सोचे जा सकते। जितनी भी सोच दौड़ा लें, अल्लाह करीम के इनामात को नहीं समझ सकती। इसी तरह जब बात ये आती है ना अजाब अल हून, तो कोई नहीं समझ सकता कि जिल्लत वाला अजाब क्या हो, ये जिल्लत किस दर्जे की हो।
इसकी कितनी तकलीफ और कितना तड़पना होगा कोई नहीं सोच। क्यों, वजह क्या है? बेमा कुंतुम, तो अजाब अलहू ने बेमा कुंतुम तकूलूना अल्लाह गैर अलहक के, कि तुम अल्लाह के जिम्मे झूठी बातें लगाते। जब हम गलती को सच कहते हैं ना, और सच की मदद को चल रहे होते हैं कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसलिए सर, तो ये तजावज़ है। और अल्लाह करीम इरशाद फरमा रहे हैं, और कैसे कैसे बदबख्त हुए हैं, पूरा पूरा जोर लगाया उन्होंने अल्लाह के अंबिया के मुकाबल खड़ा होने में। और जब वो मुकाबल खड़े हुए, क्या क्या उनके अंजाम हुए, और वो हिस्से जो दुनिया नहीं देख रही वहाँ पर भी बात हो रही है कि कैसे अंजाम को पाएंगे। तकूलूना अलल्लाह गैर अलहक व कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, अब उसकी निशानियों से तकब्बर करते थे। अब इस सारे बहस को समेटते हुए हम अगर इस पहलू पर आए जो कुरान करीम वजह बयान फरमा रहा है कि क्या वजह थी कि उन्हें ज़िल्लत का अज़ाब हुआ या ज़िल्लत के अज़ाब में पहुँचेंगे, वो ये थी कि तुम अल्लाह के ज़िम्मे झूठी बातें लगाते हो जो फरमाया नहीं गया, जो हिस्से अल्लाह ने मुकरर फरमाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हक इरशाद फरमाते थे तो सारे कुफार मुशरिकीन बेशुमार मखलूक थी जो मुखालफत करती थी, उसमें एक फरीक बहुत बढ़कर मुखालफत करता था यहूद का, और इनकी मरकजी आबादी मदीना मुनव्वरा और उसके मजाफात में थी। इनके आलम, इनके रहनुमा बड़े बड़े जो इनके नाम थे, उनका क़याम मदीना मुनव्वरा के कुर्ब जवार और मदीना मुनव्वरा में। तो मक्का से अहले मक्का ये कुफार वहाँ जाते थे, वहाँ से एतराज़ात उनसे समझते थे, कौन सी बात पर क्या एतराज़ करना है, कौन सा सवाल उठाना, ये हुजतें वहाँ से सीख कर आते थे। फिर मक्का मुकरमा में पहुंचकर वो बातें फैलाते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर एतराज़ात करते थे। तो एक सिलसिला जारी था, लेकिन कुरान करीम जब इरशाद फरमाता है तो सिर्फ वो एक मौका नहीं रहता, एक असूल बन जाता है, असूल वज़ा होता है। असूल ही इरशाद होता है, असूल बन जाना तो कमज़ोर पहलू है कहना, असूल ही इरशाद होता है क्योंकि अल्लाह जल्ला शानहू का कलाम है। अब इसके पीछे एक मुहर्रक और एक कैफियत और हाल है जो इस दर्जे को पहुँचाती है। तस्तकबिरून, सबब क्या हुआ? तकब्बर। और गौर कीजिएगा, जब भी बंदा किसी बात या अमूमी को भी नहीं ना मानता, पता क्या कहता, मैं नहीं मानता। और जब ये कैफियत मैं नहीं मानता हक के मुकाबले आती है, ये कैफियत और हाल जो इस्लाम सिखाता है वही आला है, वही कामयाबी का रास्ता है, और दूसरा कोई राह ना है ना हो सकता है। तो जहां जहां मैं और आप ये कहते हैं कि मैं नहीं मानता, उसे देखने की जरूरत है। अगर तो वो ना हक है तो नहीं मानता, अंजाम आला होगा। और उसमें भी लफ्ज मैं पर जोर लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें भी जो कैफियत और हाल चाहिए वो ये है कि मेरा अल्लाह मुझे इससे पनाह दे। ये कहना कि मैं नहीं मानता, ये फिर फंसाता है, भाई मैं है ही कोई नहीं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात मुबारका के वाक़यात में एक वाक़या मिलता है, और उस वाक़े में शैतान ने बहुत बड़ा वसवसा बनाने की कोशिश की, बहुत बड़ा खेल खेला, और आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने वला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अल अज़ीम इस जवाब की इब्तिदा
जब वो सारा खेल भस्म हो गया तो भागते शैतान ने कहा, ऐ कादर, आज तुझको इस गलती से तेरे इल्म ने बचाया, वाक्या लंबा है, वक्त छोटा है, इसलिए मैं जो नुक्ता है वो अर्ज कर रहा हूँ। आपने इरशाद फरमाया, नहीं बदबख्त, मेरे इल्म ने मुझे नहीं बचाया, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया। तो जब इस पर उलमा बहस करते हैं, वो कहते हैं कि जो उसने तिलसम बना रखा था, जो घर रखा था, जिसका ड्रामा जो किया, वो इतना ख़तरनाक नहीं था जितना ख़तरनाक उस भागते शैतान का ये वार था कि आज तुझे तेरे इल्म ने बचाया। इसलिए इस मैं से जान हमें छुड़ानी है। ये क्या, मैं नहीं मानता, भाई बात ही नहीं है, मेरे अल्लाह ने नहीं पसंद फरमाया, मेरे अल्लाह को ये पसंद है, मेरे अल्लाह को ये नहीं पसंद, बात खत्म। इसके लिए कैफियत और हाल चाहिए। ये लोग जिन्हें अल्लाह करीम ने दुनिया में कैफियत और हाल ऐसा अता फरमाया कि साहिबुल राय हैं, साहिबुल राय कहते हैं जो हर मामले में हतमी राय दे रहा हो मौके की। सारी सारी जिंदगी मसाजिद में और इन घरों में और कोनों में बैठकर सर हलाते क्यों गुजार दी? अपनी मशाख एजाम की हयात मुबारक पढ़े ना। कुरान करीम फरमाता है, वो जमात जो गुजर गई उनका मामला उनका है, जो जमात है या जो लोग हैं इनके आमाल का मामला इनका है। तो हमें अल्लाह वो आमाल अता करने की अता फरमाए, तौफीक अता फरमाए जो सालिह रास्ता है। अल्लाह करीम मेरा और आपका हामी नाफिसर हो, हमारी गलतियां और गुनाह खताएं माफ़ फरमाए, ये मुबारक साथ नसीब फरमाए, खात्मा बिल ईमान हो, रब कायनात हमारे मुल्क पर रहम फरमाए। अल्लाह करीम यहाँ वो लोग पैदा फरमाए जो उसके हुक्म को पसंद करें, जो उसकी मखलूक के साथ अदल करें। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाह, अल्लाहु 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 अल्लाह।